काटेगा। तो गुफा के बाहर आप लोगों ने देखा कि साफ साफ शब्दों में चेतावनी अंकित की गई है कि जल गुफा के अंदर आप हाथ ना धोएं और गुटखा पान मसाले का सेवन ना करें। बाकी साथ ही ये भी लिखा है कि बिना स्नान करे आप जल गुफा के अंदर प्रवेश ना करें। तो जब मैं मॉर्निंग में स्नान के लिए इधर आया था तो एक बाल्टी पानी मैं गुफा के अंदर से लाया था और गुफा के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था और जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना गुफा के अंदर जाने के लिए उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी था तो पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और साथ ही अभी जल गुफा के अंदर ना जाने का रीज़न ये है ना कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ और मैंने ऊपर पूछा था कि गुफा के अंदर हम वीडियो बना सकते हैं तो उन्होंने कहा कि वीडियो ना ही बनाओ तो बेहतर है, बाकी आपकी श्रद्धा है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मुझे भी वीडियो बनाना उतना सही नहीं लगा और मैं नाश्ता भी कर चुका था तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। आप तो गाड़ी में आए होंगे फिर यहाँ तो? हाँ गाड़ी में आए थे। मेरा नाम अच्छे सर्विसमैन चंद्र सिंह चौहान जी। ये छोटे कैलाश मध्य में बसा हुआ मूल नारायण का मंदिर पौराणिक मंदिर, मूल नक्षत्रों में इनकी पैदाइश होने की वजह से इनको मूल नारायण इनका नाम पड़ा। इनके दो बेटे हैं और एक बेटा बजैन जी हुई है और दूसरे नौलिंग। सामने आप देख रहे हैं पंचाचुली, त्रिशूल, नंदाईवाल, बनकटिया, इनके नाम पड़े कहते हैं पहले से। इसी ये सामने नंदा घूंघट के नीचे जो जात जाती है बारह साल की जो जात जाती है, हम उत्तराखंड सरकार से भी आशा करते हैं कि यह जो मंदिर है इसको भव्य रूप दिया जाए और जिससे इसमें पर्यटन का आवागमन बढ़े। आप लोगों का सबका भविष्य, उत्तराखंड का उज्जवल भविष्य के लिए हम आपके चैनल धन्यवाद देते हैं। तो अब वक्त हो चला है शिखर से विदा लेने का और निकल रहे हैं भन्यार के लिए। बाकी जो रास्ता हमने कल आपको अंधेरा होने की वजह से नहीं दिखा पाए थे वो आज दिखाते हैं। तो अब गोपालदा कमलदा लोग जाने वाले हैं झोपड़ा खड़ले वाले रास्ते बाएं साइड से और हम चले दाएं साइड से समाल गांव होते हुए। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं। अजब ला ठीक है ठीक भैया, यहाँ आप घर हो। तो चल दिए हैं जहाँ से हम रात को आए थे और अब रास्ता दिखाते हैं कैसा है। Thank you.
अच्छा अभी तो रास्ता लगभग थोड़ा ठीक है, मगर थोड़ी देर के बाद रास्ता थोड़ा सा खराब होने वाला है। वहाँ पे हमें दिखे पहाड़ी भाषा में तो चित्रौल बोलते हैं, वैसे इन्हें बोला जाता है ऊद बिलाव, ऊद बिलाव वो जा रहे हैं। जला क्या तो शिखर से भनियार वाले रास्ते में आपको लगभग 4 से 5 मंदिर मिल जाते हैं। अगर आप लोग दिया बाती अगरबत्ती ले आते हैं तो इन मंदिरों में जला सकते हैं, जैसे अभी अपने राहुल भाई जला रहे हैं। आपको भी लेना पहाड़ उत्तराखंड तो सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, तो ये सभी यात्री अभी भनियार से शिखर के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये ऊपर के लिए रवाना हो जाएंगे। और लोग ऐसे लकड़ियाँ तो जो यहाँ पे आग जलाई हुई है ये उनके द्वारा जलाई गई है। जो कल रात को यात्री शिखर से भनियार और भनियार से शिखर जा रहे थे, तो जिन्हें थकान हो जाती है वो लोग रास्ते में ही ऐसे आग जला के वहीं पे सो जाते हैं। तो कल ऐसे ही बहुत सारी जगह में लोग आग जला के सोए हुए थे रात को। तो ये वाला रास्ता जाता है सनगाड़ बस्ती को, और अब हमें जाना है लेफ्ट हैंड में। यहाँ तक रास्ता सही था, मगर अब काफ़ी खतरनाक वाला रास्ता होने वाला है। मैं आवाज़ भी कट नहीं करूँगा। तो कल रात हम इसी वाले रास्ते से आए थे। ये देखिए सबसे आगे जा रहा है राहुल, फिर जा रहा है भरत, फिर जा रहा है हप्पी। तो रास्ता पूरा ऐसा है, साइड में पूरी चट्टान है और चट्टान के किनारे किनारे जिगजैग में रास्ता बना हुआ है। लास्ट कोने में देखिए वहाँ से भी यात्री ऊपर को आ रहे हैं। बन रही है सुबह दोबारा गए, ब्याह बखा आ जाते हैं। अच्छा हो रहा था मौसम में, एक बार फिर सफाई के चक्कर में एक हाथ को घेर देगा तो तेरी तो सफाई हो जाएगी। इस वाले रास्ते में पाला पड़ के चिफल पट्ट हो रहा है, ऐसा कहना हैप्पी का है, और रड़ भी सकते हो। और रड़ ला जबत गिज फुटाल कह रहा है, तो गिज फुटेंगे तो क्या होगा वो आप लोग समझ सकते हैं। मेरे को पता ही नहीं चला, पैर रख लिया यहाँ।
ज्यादा किनारे में जाना है, पत्ते से खतरनाक हो रहा है रास्ता। हाँ कीचड़ भी हो रहा है, कहीं कहीं पे रास्ता भी बस सिंगल टाइप का हो जा रहा है। अगर लोग पास पास खेलेंगे तो फिर काफी दिक्कतें हो जा रही है। रड़ने की पूरी पूरी संभावना है, ऐसा हैप्पी का कहना है। रड़ने मतलब फिसलने की पूरी पूरी संभावना है। चलो ना ना आराम अर्जुन, अरे जाट टकना एक जाट। क्या हुआ हैप्पी? अरे यहाँ पे देख के आने फिसल रहा पूरा। फिसल रहा है? गाड़ी नहीं मुड़ रही थी तेरी? तो ऐसा ही है रास्ता पूरा चिफलपट। पास कैसे दिया इधर को? अरे कहाँ से आऊँ, इधर को पकड़े रहना लेकिन धक्का मत देना। आराम से जाइए आराम से। तो रास्ता सिंगल होने की वजह से एक टाइम पे तो रास्ता सिंगल होने की वजह से एक टाइम पे एक ही आदमी चल सकता है और दूसरे व्यक्ति को मतलब दूसरे आदमी को रुकना पड़ रहा है। ऊपर को देखिए पूरा चट्टान है और चट्टान में भी पेड़ लगे हुए हैं। बाकी रास्ता भरपूर एडवेंचर वाला हो रहा है। ब्रेक नहीं लग रहे हैं तो हैप्पी की गाड़ी थोड़ी सी दाई बाई हो जा रही है। तो थोड़ी देर के लिए जंगल वाला रास्ता खत्म हो गया है और अभी खुला खुला सा रास्ता आया है, तो धूप देखने को मिल रही है। बाकी पूरा रास्ता लगभग पातल वाला था, पातल बोले तो जंगल वाला। ये देखिए सामने जो बर्फीली चट्टानें दिख रही हैं वो है पंचाचूली हंसालिंग, जो कि बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो जो वो सबसे लास्ट में टॉप दिख रहा है मतलब सबसे हाईएस्ट में, हम वहीं थे अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ से ऐसे ऐसे आए हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं भन्यार, जहाँ पे बजाण भगवान जी का मंदिर है। ये देखिए पानी पे